इसका है तो तो वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से मानते हैं और जब रसूल के साथ किसी अजतमाही काम में शरीक होते हैं तो उनसे इजाज़त लिए बगैर कहीं नहीं जाते ए पैगम्बर जो लोग तुमसे इजाजत लेते हैं यही वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से मानते हैं चुनाचे जब वो अपने किसी काम के लिए तुमसे इजाजत मांगे तो उनमें से जिनको चाहो इजाजत दे दिया करो और उनके लिए अल्लाह से दुआ किया आयत में बहुत से रिश्तों का जिक्र है कि न ना किसी नाबीना के लिए इसमें कोई गुना है न किसी पांव से माजूर शख्स के लिए कोई गुना है न किसी बीमार शख्स के लिए कोई गुना है और न खुद तुम्हारे लिए तुम्हें कि तुम अपने घरों से कुछ खा लो या अपने बाप दादा के घरों से खा लो अपने माओ के घरों से अपने भाइयों के घरों से आखिर तक ये चलता चला जा रहा है और आखिर में है कि अपने दोस्तों के इसमें भी तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं है कि सब मिलकर खाओ या अलग अलग चुनाचे जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम किया करो कि ये मुलाकात की वो बाबरकत पाकिजा दुआ है जो अल्लाह की तरफ से आई है अल्लाह इसी तरह आयतों को तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझ जाओ जी मुफ्ती साहब आप ये बताएं कि कायनात आपको पता है भी जे जेम्स वेब भी गई है दस बिलियन डॉलर की जो गई है टेलिस्कोप भेजी है तो कायनात का आपको लगता है बनाने वाला इस तरह की बात लिखेगा व्हाट डू यू थिंक आप अपनी राय दीजिएगा मैं डिबेट नहीं करूंगा आपसे बिल्कुल चूंकि इस चीज का ताल्लुक बुनियादी اخلاق से है कि और कुरान करीम जो है वो आपने कहा कि भई ये फला टेलिस्कोप गई है कोई पहली मरतबा तो ये कोई हिस्टोरिकल वाक्य नहीं है कि टेलीस्कोप पहली मरतबा गई हो इससे पहले पहले भी एक से एक सेटेलाइट गई है और इंसान ने बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक अचीवमेंट्स किए हैं लेकिन बात यह है कि आप कुरान को किस नजरिए से देखते हैं अगर आप कुरान में यह तलाश करेंगे कि मुझे टेलीस्कोप बनाने की कोई साइंस मिल जाए तो आपको हरगिज नहीं मिलेगी लेकिन अगर आप कुरान में हिदायत तलाश करेंगे या बुनियादी अखलाक जो नेचुरल अख्लाक है वो तलाश करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे तो रिश्तों की वैल्यू जो है वो मुसलम वो इस्लाम अपना सवाल नहीं आपको सही पहचान पाई है मेरी गलती है मुफ्ती साहब मैं ये कह रहा था ये लैंग्वेज जो बहुत ही ज्यादा मुझे मिडियोकर सी लग रही है एक कायनात के बनाने वाले की नहीं लग रही कि इतनी हम कायनात को साइंसदान यू नो आप देखते हैं इतनी ज्यादा रिसर्च करते हैं लैब में जंगल में रहते हैं और जिसने कायनात बनाई इतनी कॉम्प्लेक्स वो इस तरह की बात लिख रहा है उसके चले जाओ लंगड़े के चले जाओ खाना खा लो आपको लगता है कि ये फिर कायनात के बनाने वाले है कलाम होंगे गुलजार भाई गुलजार भाई जी आप कुरान में कॉम्प्लेक्सिटी देखना चाहते हैं क्या देखना चाहते हैं है। दिखाऊं मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी मैं दिखाता हूं फिर आपको नहीं तो एग्जांपल हो ना नहीं नहीं बिगन क्यों होगा नहीं 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 कुरान नहीं है सही मुस्लिम साहब 1 मिनट मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा यहां पर मैं यह सवाल समझना चाहूंगा कि आपको आपका ये कहना कि भाई ये कायनात के बनाने वाले की लैंग्वेज नहीं हो सकती इसकी दलील क्या है मैं वही मैं वही सवाल करूंगा मैंने जो से किया था कि आप जब एक उसूल बनाते हैं तो उस उसूल को साबित करना जरूरी है आपने ये उसूल बनाया कि नहीं ये तो उसकी उसकी जबान नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती देखें दावा आपका ज्यादा बड़ा है कि ये कायनात के बनाने वाले का है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पे आएगी नहीं हमने तो हम हमने तो दावा किया और बहुत सारे दलाल उस डिबेट में भी मैंने दो दलीलें दी और इसके अलावा भी बहुत सारी दलीलें हैं कि जिनको दिया जा सकता है और जाहिर है कि इस वक्त उसका वक़्त नहीं है इतनी अम्बी गुफ्तु करने का हाँ हाँ, मैं आपने, इस था। था। आपने इस आपने इस पर्टिकुलर आयत के बारे में ये सवाल किया कि ये कायनात के बनाने वाले की नहीं हो सकती तहरीर बचकाना सी लगी मुझे बस मेरा पॉइंट वही मैं कह रहा हूँ क्या बच बचकानापन आपको लगा कि नहीं ये जुमला यू होना चाहिए था तो ज्यादा बेहतर होता देखें कैसा होना चाहिए था ये तो मैं बहुत सारे आपको बता सकता हूं लेकिन खैर मैं इसमें फिर वही बात है लंबी डिबेट हो जाएगी ना मैं, को मैं ना। कोई एक आधा बता देना कोई एक आधा तो हमें तो तो पता तो लगे उसूल क्या है फिर यानी देखे देखें गुलजार भाई दो चीजें हो सकती हैं या तो कंटेंट गलत है या लैंग्वेज गलत है दो अगर हाँ अगर आप आप अगर ये कहें कि नहीं कंटेंट गलत है ठीक है इस पर बात हो जाए या आप ये कहें कि लैंग्वेज गलत है इस पर बात हो जाए लेकिन आप आ, अगर ये कि नहीं कंटेंट भी सही है लैंग्वेज भी सही है लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा <laughs> अगर ये कहेंगे तो भाई, मैं, इस तो, इसका जवाब हमारे कुछ ऐड कर देता हूँ आप गौर करिएगा ठीक है ये जो ऑथर है ना कुरान का ये एक ही हो सकता है या दो चार हो सकते हैं ये आपको सोचना है बेटे तो। अगर ऑथर एक ही है तो एक ही सूरत में इसी आयत में सूर... एक आयत आती है नला नूर बड़ी फेमस आयत है वो आप उस आयत को थोड़े दिन बैठ के स्टडी करें आपका दिमाग जो है घूमेगा फिरकी की तरह फिर आप खुद से सवाल करना कि एक ही सूरत के अंदर ये कौन दो शख्स हैं जो एक आपके हिसाब से आपके उसूल के हिसाब से मीडिया पर बात कर रहा है और एक उस आयत के अंदर मेरे आयत ट्वेंटी फोर है वो जी जी आयत, जी जी आयत वो आयत पढ़ते पढ़ते मेरे ख्याल से मुझे छह महीने हो गए हैं आज तक भी नई नई बातें उसमें डिस्कवर होते रहते हैं हो, क्या खूबसूरती सही मुस्लिम भाई कतक लामी की माफी कुरान में okay. तकरीबन छह हजार से ज्यादा आयतें मेरे जी, लिए, जी. लिए सिर्फ एक आयत काफी है कि ये खुदा कलाम नहीं आप उसमें से कई आयतें निकाल सकते हैं लेकिन मेरे लिए तो एक सबूत काफी होगा ना जो तो मैं तो सारे ना एक, आपका अच्छा सवाल पूछा है, ये अच्छा सवाल देखे आप अगर क्लेम करते हैं कि मेरे घर में एक कमरे का बन, कमरा बंद है और उसके अंदर बिल्ली है क्लेम आपका है साबित आपको करना पड़ेगा मैं तो क्लेम नहीं कर रहा हूँ अपने नहीं कोई नहीं। आपने वो, नहीं, है नहीं, जो करेंगे अभी तो आप गलती नहीं बता पा रहे मैंने आपको दो मैं अरबी दान आपको आपको तो हूँ मुफ्ती साहब आपकी अरबी बहुत अच्छी है मैं आपका सच वाला साहब के साथ डिबेट देख चुका जब भी मुझे आपसे मजा आ रहा है बात करने में मैं इस पर चैलेंज नहीं करता आपको जो आपका ग्राउंड है मैं उसमें नहीं आऊंगा मैं ये कहना था कि मुझे आज जब मैं पढ़ता हूँ ना कि ये मैं आए जैसे पढ़ता हूँ अंधे और लंगड़े पर और बीमार पर और खुद तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने घरों से खाना खाओ या अपने बाप के घरों से या माँ के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहटों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपने पुप्पाओं के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घर से एंड सो ऑन ये मुझे लग रहा है कि एक बचकाना है लेकिन गलती की आप बात करते हैं तो जैसे कुरान में बिग बैंग की बात आती है कि ज़मीन और आसमान को हमने अलग किए आपको पता साढ़े तेरह बिलियन साल पहले जमीन बनी नहीं थी तो अलग कैसे हो सकती है जमीन गलतियां तो उस पर करूंगा तो पीछे वाली बात रह जाएगी मैं अच्छा, तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ मुझे content... में तो मैं आपसे मुकाबला नहीं जीत सकता मुझे आपके हाथ में लैंग्वेज में आप अरबी में आप बाहर हैं इसमें कोई शक ठीक ठीक नहीं है जब आपने किताब दिखाई थी इसका तर्जुमा करो ही फेल्ड इट आई वॉज वेरी इंबेस्ट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे बचकाना सी बात लग रही है कंटेंट अच्छा लैंग्वेज को रख दीजिए अलग कंटेंट जो है कि इस्लाम में रिश्तों की क्या अहमियत है और इसी तरीके से माजूरों की क्या अहमियत है कि उनके लिए बाकायदा एक आयत गुजरी उतरी है क्योंकि माजूरों को हर सोसाइटी के अंदर आ, ये समझा जाता है कि भाई ये तो बेकार लोग हैं इनकी क्या इनके क्या हुकूक हैं एक आयत मों के हुकूक के ताल्लुक से उतरी है तो आपको इस कंटेंट में ओवरऑल कंटेंट में कोई प्रॉब्लम दिख रही है हाँ मुझे मतलब ये बचकाना सी बात लग रही है कि बजाया कर बात मुझे मजा नहीं, नहीं आ रहा यानी 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 माजूरों के हुकूक के ताल्लुक से जबकि आप अगर किसी भी तफसीर में पढ़ें मसलन वो ये है कि उस जमाने में माजूरों को आज भी बहुत सी में जैसे मैंने कहा आप अमेरिका में रहते हैं मैं भी रहता हूँ वेस्टर्न कंट्रीज में माजूरों के हुकूक बहुत ज्यादा है

दरअसल ये समझा जाता था नाबीना अफराद ना या जो माजूर होते थे पैरों से वो ये समझते थे कि हम मुआरे के ऊपर बोझ है यहां तक कि उनका खाना भी अलग कर दिया जाता था वो अलग ही खाते थे तो अल्लाह ताला ने उनके तकूक को इसमें एड्रेस किया और एक एक रिश्ते का नाम लेकर इसलिए ये बताया कि ये जो है ये जो माजूर लोग हैं ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे खानदान के एक एक फर्द की जिम्मेदारी है हर एक आदमी उनको उसी तरीके से ट्रीट करे जैसा कि अपनी औलाद को ट्रीट करता है या अपने माँ बाप को ट्रीट करता है इसलिए इन रिश्तों का बार बार जिक्र किया उसको वाजह करने के लिए क्योंकि यहाँ वाजह करना जरूरी था चले ठीक है आपकी बात मैंने मान ली क्योंकि इसमें दादा दादी का रिश्ता तो आया नहीं है इसमें ये अब आप दादा दादी, दादी, दादी।, दादी दादा दादी जिस जिस उम्र में पहुंच जाते हैं वो बेचारे खुद ही डिपेंडेंट बन जाते हैं वही माजूर बन जाते हैं उन्हीं की तो बात हो रही चले